अपने ओसीडी विचार को ओसीडी तक सीमित रहने दें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अपने ओसीडी के विचार को अपने ओसीडी तक ही सीमित रहने दें। इसको हमें अच्छे से समझना होगा, और अगर हमने इसको समझ लिया ना तो इसके अंदर एक पॉजिटिव फील हमें आएगा, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वह हमें इसके अंदर आगे लेकर के जाएगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। ओसीडी विचार को ओसीडी तक ही सीमित रहने दें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वे बोलते हैं कि मेरा जीवन पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा ये नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। ऐसा नहीं करना, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, ओसीडी एक मानसिक बीमारी है और बीमारी का वक्त के साथ इलाज हो सकता है, तो इसका इलाज करिए ना, सब चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज, आप जितना अपने आप को प्रताड़ित करते हो, टारगेट करते हो, अपने माइंड में ये बात पूरा दिन डालते हो, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये हो गया, मेरा बुरा हो गया, वो हो गया, उतना आपके साथ बुरा होगा। क्योंकि प्रेजेंट में आप अपने काम को इस तरीके से बाधित कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर भी उसकी भेंट चढ़ सके। यही तो कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रेजेंट में हम जो भी चीज़ें करते हैं उससे फ्यूचर का निर्माण होता है। ठीक है, और पास्ट में हमने जो किया है उससे आज हमारा प्रेजेंट चल रहा है, और जो प्रेजेंट में करेंगे उससे फ्यूचर चलेगा। तो कल आपका कैसा होगा बताइए, कल कैसा होगा आप सभी का? कल डेफिनेटली बुरा ही होगा, क्योंकि आज आपने बैठ करके अपने बारे में गलत विचार बुने हैं, तो कल गलत ही होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं विचारों को भूलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ जब भूलने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो? मैं रोज ट्राई करता हूँ कि ये विचार मेरे को ना आए। तो आप भूलने की कोशिश कर रहे हो या याद करने की कोशिश कर रहे हो? इसी बात को हमें समझना होगा कि हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं या याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप विचारों को भूलने की बजाय याद करने की कोशिश कर रहे हो, समझे? आप विचारों को भूल नहीं रहे हो, आप विचारों को याद कर रहे हो। अगर आपके साथ कल कोई घटना घटी है और आज आप उसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हो, तो वह बात कल आपके दिमाग में 100% रहेगी, क्योंकि आज आपने उसके ऊपर विचार विमर्श किया है, आपने उसको रिवाइज किया है, आपने उसको याद करने की कोशिश की है। अगर जो बात कल हुई और उसको कल ही आपने भूल गए और आज उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो कल वह धुंधली हो जाएगी, परसों और धुंधली हो जाएगी, और धीरे धीरे वह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकल जाएगी। ये बातें हैं, इनको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी हैं कि मुझे तो भूलने की कोशिश करना है, मैं रोज चाहता हूँ मैं ये बात भूल जाऊँ, मैं वो बात भूल जाऊँ, मैं ये कोइंसिडेंस भूल जाऊँ, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आज आप क्या कर रहे हो? आज तो आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, और जो चीज़ आज आपने याद की है वह कल भी आपको याद रहेगी, परसों भी रहेगी, क्योंकि आज आपने उसको याद किया है। तो यही बातें हैं कि सारा दिन आप अपने आप को गलत कमांड देते हो, और जो कमांड आप दे रहे हो उससे आपका फ्यूचर का निर्माण हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपकी समस्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दें, अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, और आप भी बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हरा दोगे। आई होप आज की यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।